ललितपुर में तोवन हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के नारी शक्ति वंदना सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल के हुए आगमन में कैबिनेट मंत्री रानी मौर्या ने कहा कि संसद में महिला बिल पास कराकर महिलाओं को सशक्त करने वाले प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिले हैं। वहीं बता दें केंद्र एवं प्रदेश सरकार महिलाओं के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। वहीं सांसद अनुराग शर्मा ने कहा है कि जिस महिला बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह कह दिया था कि मेरी पार्टी में इस बिल का विरोध हो रहा है, उसी नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल को लेकर नई सांसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पास कराया है। जिस प्रभारी राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा है कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जहां नारियों की पूजा होती है।